हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये महिंद्रा का 295 DI टर्बो है, सुपर टर्बो MKM मॉडल। इसका हम अभी हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयरिंग करने वाले हैं और हाइड्रोलिक पंप बदलने वाले हैं, जिसका मैंने हाइड्रोलिक टॉप कवर को उतार लिया है बाहर। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। यह मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल लिया है और हाइड्रोलिक सेंसिंग यूनिट वाला पूरा असेंबली बाहर कर लिए हैं, हाइड्रोलिक लीवर को भी बाहर कर लिया है और ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने खोल लिया है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है और सारे ओरिंग लगेगा, पिस्टन वाल्व सील, इसका यह कंट्रोल वाल्व, ये सब चेंज होगा। ये सब मैंने नया मंगा लिया है। यह हाइड्रोलिक ये हो क्या रही थी, ऊपर नहीं हो रही थी, इसका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी और फंस जा रही थी। ये इसका रैम सिलेंडर का पिस्टन है और ये सेक्शन फिल्टर है, ये सीक्रेट फिल्टर है, छोटा वाला फिल्टर। और इसका ये पंप भी बदलेंगे, हाइड्रोलिक पंप ये यहाँ पे लगता है आगे में, इसको भी बदलेंगे, चेंज करेंगे, जो कि मैंने न्यू मंगा लिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये MKM मॉडल है। अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैंने हाइड्रोलिक टॉप कवर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यह इसका हाइड्रोलिक पंप है, जिसका प्राइस अभी पड़ता है 3750 रुपया, जो कि जेन्युइन है। यह इसका कंट्रोल वाल्व है, ये कंट्रोल बल्ब भी बदलेंगे, ये महिंद्रा का है। और इसका ये ओरिंग किट है, जिसका प्राइस है 414। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर का पैकिंग है, जो कि यहाँ पे लगता है, और इसका हाइड्रोलिक पंप का पैकिंग है। आप लोगों को भी पंप दिखा रहे हैं, ये पंप किस प्रकार से होता है। ये पंप इस तरीके का होता है, एक साइड इसका सेक्शन रहता है, एक साइड हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगता है इसका, थोड़ा सा लुब्रिकेंट करने के बाद इसका कंट्रोल वाल्व को इसमें प्रेस करेंगे, ये आसानी से चला जाता है प्रेस से। और कंट्रोल वाल्व को भी लुब्रिकेंट कर लेना, इसमें डस्ट का थोड़ा सा भी नाम भी नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए। ये कंट्रोल वाल्व को भी लुब्रिकेंट कर देते हैं और इसको प्रेस मशीन से इसको प्रेस करते हैं, ये आसानी से चला जाएगा। ये चला गया है, ये कंट्रोल वाल्व फिक्स हो गया है बॉडी के लेवल से। ये अच्छी तरह काम करेगा। उसको लगाने के बाद यहाँ पे भी एक पिस्टन लगता है, जिसका मैंने बॉकेट बदल दिया है। ये भाग नीचे जाएगा, इस प्रकार से लगेगा। इसको लुब्रिकेंट करने के बाद इसको हम लगाएंगे। इसको मैंने लुब्रिकेंट कर दिया है, ये इस टाइप से लगेगा, ये नीचे जाएगा।
अंदर में एक बल्ब रहता है बॉल, इसके बाद चकनट रहता है, ये इस प्रकार से प्रेस करेंगे अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसका भी ओरिंग बदल दिए हैं, रबर रिंग बदलने के बाद ये इस प्रकार से लगेगा, इसका भी प्रेस करेंगे चला जाएगा। इसके बाद एक लॉक आता है इसका, ये लॉक है इसका, इसका लॉक बदलने वाले हैं। ये कंट्रोल बल्ब के ऊपर में कैप लगता है और 4 नंबर का स्क्रू लगेगा यहाँ पे, ये एल की वाला स्क्रू लगता है, इसको हम टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद नीचे भी पकड़ के टाइट कर दिए हैं, इसको फिक्स कर दिए हैं, ये फिक्स हो चुका है। अब इसका ये लीवर लगेगा, जो ये लीवर कंट्रोल बल्ब को प्रेस करता है, जिससे कंट्रोल बल्ब काम करता है, तो हाइड्रोलिक अप और डाउन होता है। इसको अभी हम फिक्स कर दिए हैं, ये भी लग चुका है। इसको टाइट करना ज़रूरी है, सबको टाइट अच्छी तरह से करना पड़ता है। ये फिक्स हो चुका है, ये इस प्रकार से काम करता है। उस साइड से स्प्रिंग उसका कैप उप लगाएंगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये इसका रैम सिलेंडर का पिस्टन है, इसको भी प्रेस कर देते हैं, ये चला जाएगा अपनी जगह पे। ये चला गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल बल्ब वाले जगह पे ये स्प्रिंग लगता है कंट्रोल बल्ब के ऊपर, ये स्प्रिंग डाल दिए हैं जैसे कंट्रोल बल्ब, ये इस प्रकार से लगता है। इसमें ओरिंग डाल दिए हैं, इसको प्रेस करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ये प्रेस करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका बल्ब स्प्रिंग लगेगा, ये बॉल लगेगा फर्स्ट में, इसके बाद इस टाइप से लगेगा, इसके बाद एक बल्ब पिन लगेगा, स्प्रिंग लगेगा, ये बल्ब पिन इस प्रकार से इसको डालेंगे, इस प्रकार से इसको डालना है। इसको अच्छी तरह से जगह पे फिक्स करना है, ये फिक्स हो चुका है। स्प्रिंग को अच्छी तरह से अंदर डालना है, क्योंकि अंदर जाने में थोड़ा जगह कंजस्टेड रहता है, दिक्कत करता है। ये चला गया है स्प्रिंग, इसके बाद ये लगेगा, स्प्रिंग को प्रेस करता है, ये ऊपर से एक स्प्रिंग रहता है, इसके बाद सारे ओरिंग को हम लगाएंगे, जहाँ जहाँ ओरिंग लगता है ओरिंग के जगह पे। ओरिंग लगाने के बाद इसको हम फिक्स करेंगे, और 11 नंबर का बोल्ट लगता है दो, उसको टाइट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। एक ओरिंग यहाँ पे लगता है, ये ओरिंग को लगा दिए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट में हम वायरिंग लगाएंगे,
नमस्कार। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। इसमें भी मैंने सारे जगह पे वायरिंग लगा दिया है। अब इसको हम फिक्स करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर में। ये वायरिंग कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर में इसको फिक्स करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ये अपनी जगह पे चला जाएगा। 11 नंबर का दो बोल्ट लगता है, इसको टाइट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स हो जाएगा। ये 11 नंबर का बोल्ट है, इसको हम लगा के फुल टाइट कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर हाउसिंग में फिट करेंगे और हाइड्रोलिक लीवर को सेट करेंगे। उसका पिन वाशर लगा के, इसका पैकिंग लगा के टाइट करेंगे। इसके बाद हम हाइड्रोलिक टॉप कवर को गाड़ी पे चढ़ाएंगे। अब इसके सारे फिटिंग को हम कर लेते हैं। सारे फिटिंग करने के बाद ये टाइट हो चुका है। यहाँ पे पैकिंग लगता है डिस्ट्रीब्यूटर का, सिलिकॉन ट्यूब लगा के पैकिंग लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर लगा के फुल टाइट मार दिए हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद वो स्प्रिंग जो है यहाँ पे लगेगा कंट्रोल वाल्व असेंबली की जगह पे। और यहाँ पे एक इस टाइप से बूस्ट टाइप से पाइप पकड़ लगता है, इसको अंदर डालेंगे। इसके बाद इसका पैकिंग लगा के फिल्टर असेंबली को टाइट करेंगे। ये भी कंप्लीट। इसके बाद लीवर वाला रॉड जो आता है जिसे हाइड्रोलिक काम करता है, ये इसको हम फिक्स करेंगे। इसका जो कट है, ये पत्ती में कट रहता है और उसमें भी कटिंग के जैसा बना रहता है लॉक, उसको सीधे दिशा में घुमा के उसको लगा देना है। इसके बाद दो साइड में आता है बोल्ट टाइप का, इस टाइप का ये लगाएंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे। सारे को लगा दिए हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको प्रेस, इसके बाद जो है इसका सक्शन फिल्टर उल्टर लगा दिए हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल मस्त काम कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।